हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। देश की अर्थव्यवस्था 6 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। कई कल कारखाने बंद हो चुके हैं, कई सेक्टरों में ताले लग चुके हैं, लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी है और कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो इकोनॉमी है वो रसातल में जा रही है। ये देश के लिए कितनी चिंता की बात है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यही जानने के लिए हम आए हैं पटना के अनुग्रह नारायण संस्थान में। यहाँ अर्थशास्त्री हैं डीएम दिवाकर जी, उनसे जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। सर, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। सर, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि जो देश का जीडीपी है वो 6 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया है, तो देश की जनता के लिए कितना चिंताजनक है? देखिए, जीडीपी का सामान्य अर्थ जो होता है वो कि देश के साल भर की पूरी आमदनी, और उस आमदनी में, ये बात सही है कि वो आमदनी बराबर में तो बटा नहीं होता है, लेकिन जो भी आमदनी होती है, अगर जितना भी होता है लोगों के पास, अगर वो घटता चला जाए तो लोगों के लिए इसका सीधा मतलब होता है कि लोगों के सुविधाओं से पहुंच घटना, रोजगार से पीछे हटना, जो ज़रूरत की चीज़ें मिलने वाली है उसमें पीछे हटना, जो खाने पीने की सामग्री के मांगने की ताकत है उसमें पीछे हटना, हर तरह से ये एक संकट का घड़ी होता है अगर जीडीपी नीचे घटता है तो। और ख़ास करके इन 6 सालों में जिस तरह से दिखा है, और 6 सालों में जितना भी था उसमें 16 के बाद, ख़ास करके जो नवंबर 8 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद से ये दुरकना शुरू किया है बेतहाशा। बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय था वो। आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। 45% जीडीपी अभी भी हमारा असंगठित क्षेत्र का है, और अगर आप नोटबंदी करते हैं तो जिस तरह से भारत में शिक्षा का स्तर है, तो अभी तो हम लोगों को साक्षर भी नहीं बना पाए हैं, और बजाय उसके हम उनको डिजिटल लिटरेसी में धकेल रहे थे। स्वाभाविक क्रम से लोग जा रहे थे डिजिटल लिटरेसी में, एटीएम वगैरह का प्रयोग हो ही गया था, लोग उसके हिसाब से धीरे धीरे सीखने भी लगे थे, लेकिन वो कोई विपत्ति जैसा नहीं था कि ज़बरदस्ती मिलिट्री सेना की तरह ढकेल देना है। ये जो नोटबंदी हुई उसके कारण से छोटे कारोबार धराशायी हो गए, असंगठित क्षेत्र करीब करीब ख़त्म हो गया, तो उसके कारण से रोजगार में बेतहाशा कमी आई। अब आप जानते हैं कि अगर जेब में पैसे ना हो तो बाज़ार में खरीदने की ताकत ख़त्म हो जाती है, और अगर आपके खरीदने की ताकत ख़त्म होती है तो जो उत्पादन कर रहा होता है उसे लगता है कि उत्पादन करके क्या करेंगे जब लोग खरीद नहीं रहा है, और ये सिलसिला चला देश के आमदनी के कम होने का, माने मांग के कमी के कारण से हमारा देश का जीडीपी लुढ़का है। वो चल ही रहा था, और जितने वादे किए गए थे नोटबंदी में वो एक भी सफल नहीं हुए, और इतना आपाधापी के साथ किया गया था कि हर एक तीसरे दिन कुछ न कुछ संशोधन होता रहा। अभी उसका परिणाम संभलने में बाकी ही था कि तब तक में जीएसटी आ गई। अब जीएसटी पिछले 17 साल से उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन जीएसटी के पास कराने में जितनी तीव्रता दिखाई गई केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, उतनी तीव्रता अगर उसके तैयारी में दिखाई गई होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो जिसने जल्दबाजी में बिना तैयारी के जो जीएसटी लगाया, उसके कारण से जो मझोले कारोबार थे वो भी लुढ़क गए। बड़े कारोबारों के पास में भी जो इनपुट क्रेडिट का रिटर्न मिलना था वो नहीं मिला। अब तो हमारे वित्त मंत्री स्वीकार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं दे पाए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको जल्दी दे दें, और जितनी बार जीएसटी की बैठक होती है हर बार कुछ न कुछ उसमें संशोधन होता है।
इन सबके संचयी प्रभाव ये हुए कि हमारे जो छोटे कारोबारी थे वो आज भी अधिकतर संख्या में कम पढ़े लिखे लोग हैं। जब आपने नोटबंदी की तो उसके बाद ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ ढकेल दिया जहाँ पॉइंट ऑफ सेल मशीन है या जिनके पास एटीएम कार्ड है या जो ऑनलाइन कर सकते हैं। अब उसके कारण से जो हमारे छोटे कारोबारी थे उनके पास तो ये सब कुछ था नहीं, रातों रात आप पॉइंट ऑफ सेल बढ़ा नहीं सकते पीओएस मशीन, तो ये छोटे मझे कारोबारी थे इनका व्यवसाय ठप हो गया। तो एक तरफ से असंगठित क्षेत्र ख़त्म हुआ, मझौले कारोबार ख़त्म हो गए और इसके कारण से इसके कई गुना इसका असर पड़ा अन्य क्षेत्रों में भी, कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं कि वो सब जगह उसका असर पड़ा और परिणाम ये हुआ जो आपके सामने है, लगातार लुढ़क रही है 8% से लुढ़कते लुढ़कते 5% पर। और ये 5% नहीं है, मैं थोड़ा आपको सतर्क कर दूँ, उनके जो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि ये जो जीडीपी का फार्मूला बदला गया, तो फार्मूला बदलने के बाद उन्होंने कहा कि ये 2.5% बढ़ा के कहा गया है। अब वो 2.5% बढ़ा हुआ यदि आप उसको डिस्काउंट करते हैं तो अभी 5% का 2.5% माइनस कर दीजिए तो ऑफिशियली उनके हिसाब से 2.5% ग्रोथ रेट है अभी, और मैं मानता हूँ कि 2.5% भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल आप देखें कि CMI का रिपोर्ट आया था, 1,10,00,000 रोजगार कम हुए थे, बेरोजगारी थी 45 साल पुराने हाई रिकॉर्ड बेरोजगारी के दर पर है। जिस देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा हो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट 0.6% है, एग्रीकल्चर लुढ़क के 5 से 2% पड़ा गया है, ऐसे परिस्थिति में यदि हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है ये गलत है। सर तो ये जो मोदी सरकार है $5 trillion की अपनी, ये कितना मतलब कितना बड़ा झूठ है देश के साथ। देखिए सपने के सौदागर सपने बेचा करते हैं, बेचें अच्छी बात है, हम तो मनाते हैं वो दिन हो कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 खरब की हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन जिस तरह से चल रहा है तो जो हमारे पास है वो भी बचेगा कि नहीं मुझे तो उसकी चिंता है, 5 खरब की बात तो छोड़िए। हमारे रोजगार रोज़ छिन रहे हैं, रोज़ कल कारखाने बंद हो रहे हैं, और अन्य की तो छोड़िए, सरकार ने खुद माना, हमारा नीति आयोग का उपाध्यक्ष कहता है कि 70 साल में इतनी ख़राब हालत कभी नहीं थी, ये उनके अपने आदमी हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो आजकल गैर अर्थशास्त्री गवर्नर लाए गए शक्तिकांत दास जी, और वो जिस काम के लिए लाए गए वो कर रहे हैं, बखूबी वो कर रहे हैं कि अप्रत्याशित रूप से 1,76,000 करोड़ दे दिया जो पिछले कई वर्षों में नहीं दिया गया था, वो सब एक ही वर्ष में उन्होंने लाभ के रूप में सब सुपुर्द कर दिया सरकार को, और अब उसको कहाँ खर्च करना है। जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने पूछा तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं मालूम अभी, मैं नहीं बता सकता अभी। तो जिस देश का वित्त मंत्री ये नहीं बता पाता है कि जो 1,76,000 करोड़ हमने लिए हैं रिजर्व बैंक के सरप्लस में से कंटिजेंसी फंड से, वो हम कहाँ खर्च करेंगे, उस देश को क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत विचित्र दौर में देश गुजर रहा है। सर एक सवाल है मेरा आपसे ये कि 1,76,000 करोड़ रुपया सरकार अगर ले ली है तो ये जो देश की आम जनता है उसका उसके ऊपर मतलब इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है, रिजर्व बैंक के पास में जब पैसे होते हैं वो हर साल अपने लाभ का एक हिस्सा हर साल वो सरकार को देती है, और जो संतुलित हिस्सा है वो देती है, लेकिन उसके बाद वो अपने पूरे लाभ को दो भाग में बांटती है। एक उसका कंटिजेंसी फंड होता है जो आफत आसमानी बैंक को बचाने का, देश की व्यवस्था को बचाने का, क्योंकि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है, अंत समय में जब कोई रास्ता नहीं बचता है सरकार के पास तो ये बचाने पहुँचती है। अगर उस कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश की हालत बहुत ख़राब है, और अगर सरकार के पास में
ये हालत हो गई है कि आरबीआई से लेना पड़े, तो इसका ये मतलब हुआ कि निवेशक को ये डर बना हुआ है अब कि अब अगर हम खर्च करेंगे और कहीं हमारा फंस गया मसला तो केंद्रीय बैंक भी इस हालत में नहीं होगा कि हमारी मदद कर सके। तो जो सबसे खतरनाक बात है कि निवेशक का विश्वास घटता जा रहा है जी, जिसके कारण से देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होने की संभावना है। बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। हम दो तीन सवाल के साथ जोड़ के इसको बताएंगे आपको। एक देखिए, जब नोटबंदी हुआ था, हमारे बीच आज जेटली जी नहीं रहे, लोकसभा में मुझे याद है कि माननीय शरद यादव जी ने पूछा हमारे वित्त मंत्री जी से कि क्या आपको मालूम है कि नोटबंदी होना है, क्या आपको मालूम था, और वो जवाब नहीं देते हैं। मतलब यह है कि हमारे देश के वित्त मंत्री को पता नहीं होता है और वित्तीय निर्णय ले लिए जाते हैं। रिजर्व बैंक के रघुराम राजन गवर्नर थे, उन्होंने लगातार विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, देश के लिए ठीक नहीं होगा, तो उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उर्जित पटेल को बनाया, बाद में उर्जित पटेल को भी जाना पड़ गया। बिमल आचार्य ने विरोध किया कि इस तरह से, बिरल आचार्य, कि इसके कारण से चीज़ें खराब होने वाली है। जब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में भी जिस व्यक्ति ने विरोध किया उसको हटा दिया गया उस कमेटी से, और तब यह निर्णय लिया गया। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक जो हमारा एक स्वायत्त संस्था हमारी थी, सरकारी संस्था है, सरकार का अधिकार है उस पर में, वो ले सकता है, सरकार के मालकियत में ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना है और जिस उद्देश्य के लिए काम होने हैं, अगर उस एक्सपर्टीज को आप डिस्टर्ब करते हैं तो देश की व्यवस्था में विश्वास कम होता है, और अगर देश की व्यवस्था में विश्वास कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसाय में जो निवेश होने हैं वो नहीं होंगे। और ख़तरनाक बात ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्सर हमारे अधिकारीगण ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हुआ है। हमारे वित्त मंत्री का भी बयान आया, बाकी लोगों का ही बयान आया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, ऐसा नहीं है। इस बार का जो ये महान मंदी है हमारे बीच में, जिस दौर में हम जा रहे हैं, ये आंतरिक कारणों से, हमारे यहाँ मांग की कमी है जो नोटबंदी और जीएसटी के कारण से रोजगार और कारोबार के ख़त्म होने से पैदा हुआ है। चूँकि रोजगार नहीं है, चूँकि कारोबार में मांग नहीं है, इसलिए बैंक से कर्जा, बैंक तो कर्जा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लोग बैंक के पास जा नहीं रहे हैं कर्ज लेने के लिए। उनकी अपनी जो मशीनें हैं, जो कारोबार हैं, उसमें जो पूंजी फंसे हुए हैं वही उनके लिए भारी है। उत्पादन करके करेंगे क्या, बाजार में बिकेगा नहीं। आप देखिए, सोना का दाम आसमान छू रहा है, लोग सोना खरीदने में लगे हुए हैं अपने को बचाने के लिए, बैंक और कारोबारी दोनों, जिनके पास पैसे हैं, पता नहीं कल ये पैसा का क्या होगा, सोना खरीद रहे हैं, अचानक से सोना का उछाल बढ़ गया है। ऐसे परिस्थिति में जब तक भारत में निवेशकों का विश्वास नहीं लौटेगा, ये खतरनाक दौर है, और निवेशकों का विश्वास लौटे इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार समीचीन प्रयास करे। समीचीन प्रयास का क्या मतलब, जिन कारणों से ये परिस्थितियां पैदा हुई है उन कारणों को दूर करें। असंगठित क्षेत्र का रोजगार नोटबंदी के कारण गया, जो भी वादे किए थे हमारे देश के मुखिया ने, वो वादा पूरा नहीं हुआ। रिजर्व बैंक कही कि 0.7% ही नोट नहीं आए, बाकी सारे के सारे पैसे आ गए, तब जो उनके पीछे खर्च हुआ, और उसके बाद जो एडिशनल करेंसी हमने छापे हैं, ऐसा भी नहीं है कि उतने ही करेंसी छापे, उसके बाद 5,00,000 करोड़ से अधिक हमने छापे हैं करेंसी, फिर भी करेंसी की क्राइसिस है, हमें नकदी नहीं मिल रहा है, ये कहाँ जा रहा है। एक तो ये संकट है, इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि यदि अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना है तो असंगठित क्षेत्र के रोजगार बढ़ाने के तरीके ढूंढे जाएं। यदि असंगठित क्षेत्र का रोजगार का तरीका नहीं ढूंढा जाएगा तो मांग वापस पटरी पर लौट के आएगा नहीं। मांग पटरी पर लौट के आए इसके लिए असंगठित क्षेत्र का रोजगार बढ़ाने में सामान्य निवेशक प्रयास नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार को सार्वजनिक प्रयास, एकमुश्त सरकारी प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार तो निजीकरण में तबाह है, सब चीज़ों को अभी भी मर्जर और एक्विजिशन में लगी हुई है,
सर, ये जो 12 बैंकों का मर्जर किया गया है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से, क्या इस ये भी देश की इकोनॉमी से तो इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला है। आप याद करिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया था, कई उनके जो क्षेत्रीय बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सहित कई बैंकों का, उसका मर्जर किया स्टेट बैंक में। कहा क्या गया कि इससे NPA हमारा कम हो जाएगा और 8,000 लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया उसमें से। अभी जो 19 को घटा के 12 किया गया है, 7 बैंकों का मर्जर हो गया उसमें। अब इसका सीधा असर ये होने जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये छटनी का आदेश है कि यहाँ से BRS लेने के लिए लोगों को कहेंगे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप BRS लेके चले जाइए। लोगों की संख्या घटेगी, कह रहे हैं इफिशियंसी बढ़ेगी। तो जिस समय में पिछले दिनों जब NPA की बात हुई थी, जब ये सरकार आई थी, तो बहुत हल्ला किया था कि पिछली सरकारों के NPA के कारण से हमारा हालत ख़राब है। तो वो तो 2,40,000 करोड़ थे, अभी 12,00,000 करोड़ हैं। ये बीच के जो ये 10,00,000 करोड़ के करीब जो बढ़ा है हमारा NPA, ये कौन से आर्थिक नीतियां हैं जिसके कारण से बढ़ रहा है? बैड लोन्स कम करने थे कि बजाय बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। इस NPA के कारण से ये जो मर्जर हुआ है, मर्जर कारण से फिर हमारा NPA बढ़ना है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, हमारा NPA बढ़ेगा। बैंक की इफिशियंसी घटने वाली है, निजी क्षेत्र में जो बैंकिंग का जो धक्का है उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, निजी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, बैंक का निजी क्षेत्र का विस्तार हो उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के कमज़ोर करने का प्रयास चल रहा है। रेल को चिट्ठियाँ चली गई है, 15-55 साल के बाद के लोगों का रिटायरमेंट की बात होने वाली है। BSNL में छटनी और तालाबंदी का दौर शुरू है, हर तरह से नौकरी छूटने और छोड़ने की बात हो रही है हर जगह। सर, एक चीज़ बताएं, जिस तरह से प्रचंड बहुमत देश की जनता ने मोदी सरकार को दिया था, तो क्या लगता है आपको कि ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा जिसने विश्वास जताया मोदी जी पे, मोदी जी ने उनके साथ विश्वासघात का खेल खेला? देखिए, एक बात कहूँ कि जनता तो भारत की जनता में देखिए उसके लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था है उसकी। आप याद करिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था देश को कि आप हमें एक दिन हम भूखा रहेंगे और देश का सम्मान बचाएंगे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सप्ताह में एक दिन पूरा देश भूखा रहा और अपने को आत्मनिर्भर बनाया। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा कि हमें 50 दिन दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, कहीं हल्ला हंगामा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देश को अपने लोकतंत्र के मुखिया पर भरोसा था कि ये हमसे गलत वादा नहीं करेगा। जबकि हमारे मुखिया ने आगे बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, सारी बातें कही थी उन्होंने। फिर भी जनता ने भरोसा किया कि नहीं, ये हमें हमारा मुखिया कह रहा है तो ज़रूर देश के भला के लिए कह रहा है, और लोगों ने विश्वास किया, चलाया, नहीं आया। दोबारा जब GST लगा तो GST में हुआ कि नहीं, ये आर्थिक आज़ादी है, एक राष्ट्र एक कर एक बाज़ार की बात हो रही है। अब आप याद करिए कि ये वो लोग हैं जो JP आंदोलन के गर्भ से निकले हुए लोग हैं, जिनके सामने समाजवाद का वो सपना था जिसमें सबको शिक्षा एक समान की बात करने वाले लोग थे। तो एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य की बात तो नहीं हुई, समान शिक्षा नहीं हुई, समान स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन समान बाजार की बात हुई। उसी तरह से जब आप देख रहे हैं GST का सवाल, तो 21 राज्यों में, अभी इनकी अपनी सरकार है, 15 राज्यों ने तारमतार, बिहार समेत सभी राज्यों ने मिलकर रेटिफाई कर दिया GST को। जैसे क्या मिलने वाला है पता नहीं, लेकिन JP का वो सपना था राइट टू रिकॉल का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज किसी पार्टी के JP का नाम लेकर वोट सब मांगते हैं, लेकिन किसी दल का नेता चर्चा तक नहीं करता कि JP के सपना का राइट टू रिकॉल, अभी हम बहुमत में हैं, राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हम प्रचंड बहुमत में हैं, हम राइट टू रिकॉल पास कर लें।
सर एक चीज़ बताएं कि आपने कहा कि जो मोदी सरकार है वो निजी क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों का निजीकरण और एकीकरण और ये सब काम जो खेल खेल रही हैं। ये बताइए सर कि जब मंदी आया है तो जो देश की गरीब जनता है उनके लिए कितना मतलब भयावह दौर होगा और किस तरह से क्या वो और गरीब हो जाएंगे? सीधी सी बात है कि मंदी का जब आलम होता है तो रोज़गार कम होते हैं। जीडीपी घटने का मतलब है रोज़गार कम होना। तो यदि रोज़गार कम होगा तो दिहाड़ी मजदूर पहले मारे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर लेबर बाद में, और जो असालतन या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है वो उसके बाद। कैंची तीनों जगह चलेगी, लेकिन सबसे पहले असर पड़ेगा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो आकस्मिक उठा काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए रोज़गार मिलना पहले बंद होगा। गरीब पर सबसे पहले असर पड़ने वाला है। अगर देश में आमदनी की कमी हो तो उसका मतलब क्या होता है जानते हैं? उसका मतलब होता है सरकारी खर्चों में कमी। और सरकारी खर्चों में कमी का मतलब क्या होगा कि सरकारी खर्चे में जो भी सहाय की सब्सिडीज मिलते हैं गरीबों के लिए, जो कल्याणकारी योजनाएँ चलते हैं, उन योजनाओं पर सीधे असर होने वाला है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की हवा बहा दी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण की हवा बहा दी है, और कहाँ जाते हैं आप, पटना में हमारे कई हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन बता दीजिए जब हमारे नेता बीमार पड़ते हैं तो एक भी उस हॉस्पिटल में जाता हो? हमारे नेता जब बीमार पड़ते हैं तो पारस जाते हैं, और जनता बीमार पड़ती है तो PMCS जाती है जहाँ उसके बैठने तक का इंतजाम नहीं होता है। ये है हमारी व्यवस्था। और चूंकि हमारे पास साधनों की कमी होती है, इसके कारण से जिसमें पर्याप्त निवेश होना चाहिए हम कर नहीं पा रहे हैं। आज भी इतने वर्षों के बाद भी हम डॉक्टरों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, मेडिकल कॉलेज का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, हम अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। ये तो हुआ क्यूरेटिव का, प्रिवेंटिव का तो अभी हमने सोचा तक भी नहीं है। भोर कमिटी रिपोर्ट 1946 में WHO की चली थी जिसमें सबके स्वास्थ्य की बात की गई थी, आज भी वो सपना ही बना हुआ है, हम उधर नहीं चल पा रहे हैं। शिक्षा का सवाल था, सबको शिक्षा एक समान, अब वो बाजारीकरण और कई लेयर के शिक्षा की बात हो रही है। गरीब के बच्चों को तो अब शिक्षा मिलना नहीं, उनके लिए गुणवत्ता का शिक्षा अब सपना होता जा रहा है। सर एक अर्थशास्त्री के तौर पे जिस तरह, जितना मैं वही सवाल फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को, देश की गरीब जनता ने उन्हें वोट किया, अब गरीबों पर ही मार है, तो आप इसे एक हो तो समझिए कि देश के गरीब जनता के लिए क्या करना है। गांधी का 150वां मना रहे हैं हम लोग। गांधी ने, जब नेहरू को कन्फ्यूजन था तो गांधी ने एक तावीज़ दिया था। वो तावीज़ ये दिया था कि यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम गरीबों के हक में है कि नहीं है, अगर ये लगे, संदेह हो, तो तुम जो निर्धनतम व्यक्ति को देखे हो उसको याद करना और अपने नीतियों को कसौटी पर रखना, तुम्हारे जो संदेह हैं वो दूर हो जाएंगे। आज हम गांधी के 150वां साल मना रहे हैं, और इस गांधी के 150वें साल में अंतिम आदमी का सपना, जो गांधी का सपना था, अंतिम आदमी की आवाज़, उसके लिए जो न्यूनतम 3-4 जरूरी की चीज़ें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आज भी सपना ही बना हुआ है। लगातार हर सरकार दावा करती रही है और विभिन्न सरकारों ने कॉरपोरेट के लिए अधिक काम किया है। पिछले से भी यही हो रहा है, कोई आज से नहीं हुआ है। 91 के बाद लगातार जो उदारीकरण की नीतियां चली उसी की लगातार प्रहार गरीबों पर पड़ती जा रही है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। विषमता का दौर, वेल्थ रिपोर्ट आ गया है, आप देख लीजिए वर्ल्ड का वेल्थ रिपोर्ट, भारत की क्या स्थिति है। और उसके हिसाब से जब आप विषमता बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपकी नीतियाँ विषमता बढ़ाने वाली हो गई है, गरीबों को रोज़गार कहाँ से दे पाएंगे? तो यदि गरीबों के नाम पर आए तो जरूर आप शासन में, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए तीन ही काम जरूरी थे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन काम जरूरी थे। कहने के लिए आपने कहा कि उज्ज्वला
गरीबों के घर में रोशनी जाएगी। अरे उसके जेब में पैसे होंगे तब ना खरीदेगा उज्ज्वला गैस। आप कहेंगे कि उसके बाद भी लोगों ने वोट तो दिया, लोकतंत्र में भरोसा एक बहुत बड़ा आधार होता है। लोगों को अभी तक था कि जरूर कुछ होगा। एक और बात हुई जिसके कारण से लोग हमारे बीच में अशिक्षा का दौर आज भी है, जब राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो हम लोगों ने जो राष्ट्र समझ बैठा है कि सीमा पहाड़ जंगल नदी यही राष्ट्र हैं, लोग भी राष्ट्र हैं, ये समझना अभी हमें बाकी है। गरीब भी राष्ट्र हैं ये समझना अभी हमें बाकी है। खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर भी राष्ट्र हैं ये समझना अभी हमें बाकी है। तो जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को मजबूत करते हैं तो जो देश कुपोषण में हो वो मजबूत कैसे होगा, जो देश अशिक्षा में हो वो मजबूत कैसे होगा, जिस नौजवान के हाथ बेरोजगार हों वो देश वो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। ये चुनौती भरा महत्वपूर्ण सवाल है। और दुनिया में भारत का जो युवा है सबसे कम उम्र का, 29 वर्ष हमारा औसतन आयु है, हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि इन युवाओं को उस लायक बना दें जिससे कि वह अपने प्रतिष्ठा के साथ जीवन बसर कर सके। इसके लिए जो तैयारी हमको करनी चाहिए, जो संस्थाएं खड़ी करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। और जिस तरह से ये ग्रोथ रेट घटता जा रहा है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास में साधन नहीं होंगे कि हम ये काम कर पाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देंगे, वो एक बाज़ारों का चारागाह बन के रह जाएगा, इसकी संभावना अधिक दिख रही है। सर, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी। तो ये थे अर्थशास्त्री DM दिवाकर जी, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में स्थिति है जो और भयावह होगी, गरीब और गरीब होता चला जाएगा और तमाम चीज़ें जो हैं निजी हाथों में होगी, जहां आपको अधिक पैसे खर्च करेंगे तब वो सामान मिलेगा, अन्यथा आप मुँह ताकते रह जाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना। निष्पक्ष, स्वतंत्र और बेबाक, यही है रैड नेटवर्क की पहचान। हम पहुंचते हैं सत्ता के गलियारों से लेकर खेत खलिहान तक, चौक चौराहों से गांवों की गलियों तक खबरें लाते हैं आपके सरोकार की। हम सरकार की नहीं, सरोकार की बात करते हैं, हम जन की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके बीच बने रहें, निष्पक्षता के साथ डटे रहें, तो रैड नेटवर्क को हर संभव आर्थिक मदद कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से हम आपकी गलियों तक नहीं पहुंच पाएं। आप अपनी क्षमता और इच्छा के मुताबिक हमारी मदद करें। जय हिंद। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस अकाउंट नंबर पे आप हमें अपनी मर्जी के मुताबिक धनराशि भेज सकते हैं। साथ ही अकाउंट से संबंधित तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम आप तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सही खबर बेबाक तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।